आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सुरमई फिश फ्राई की रेसिपी। इस फिश फ्राई को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बहुत ही टेस्टी सुरमई फिश फ्राई की रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम सुरमई फिश लिया है, अच्छे से धो लिया है इसे। अब हम सबसे पहले इसे मैरिनेट करेंगे। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे, एक छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, दो छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, दो बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे इसमें, एक चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। अब इन सब मसालों को हम फिश के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए मसालों को मैंने फिश के ऊपर अच्छे से कोट कर दिया है। मसालों को फिश के ऊपर अच्छे से कोट कर लेने के बाद हम इसे ढक के 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और 30 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो फिश को मैरिनेट करते हुए हमें 30 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने पैन रखा है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। इसके बाद हम एक एक करके इसमें फिश डालेंगे। फिश डालने के पहले हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। इसे और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें करी पत्ते डालेंगे। तो थोड़े से करी पत्ते डाले हैं मैंने, 15 से 20 कलियां लहसुन की डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब एक तरफ से लो फ्लेम पे हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे दूसरी तरफ। अब इसका ढक्कन लगा के हम लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक इसे और पकाएंगे। अब फिश को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे हम पलट लेंगे फिर से दूसरी तरफ। अब इसका ढक्कन हटाने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो फिश के ऊपर की लेयर है वो क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर फिश दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी सुरमई फिश फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। बहुत कम मसाले लगते हैं इसे बनाने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप इस सुपर टेस्टी सुरमई फिश फ्राई की रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।